नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद भारत। हिंद भारत के खास प्रोग्राम अजब गजब कहानी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अक्षरा आर्य। भारत मंदिरों का देश होने के साथ साथ किलों का देश भी है, क्योंकि हमारे भारत में सैकड़ों किले हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में स्थित हैं। इनमें से कई किले सैकड़ों साल पुराने हैं तो कई किले ऐसे भी हैं जिनके निर्माण के बारे में कोई भी नहीं जानता। यहाँ मौजूद कई किलों को तो किसी ना किसी वजह से रहस्यमयी भी माना जाता है। आज हम आपको ऐसे ही एक किले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ से पूरा पाकिस्तान दिख जाता है, लेकिन इस किले के आठवें द्वार को बेहद ही रहस्यमयी माना जाता है। आपको बता दें कि इस किले को मेहरानगढ़ दुर्ग या फिर मेहरानगढ़ फोर्ट के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के जोधपुर शहर के ठीक बीचों बीच स्थित यह किला करीब 125 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। 15वीं शताब्दी में इस किले की नींव राव जोधा ने रखी थी, लेकिन इसके निर्माण का कार्य महाराजा जसवंत सिंह ने पूरा किया। यह किला भारत के प्राचीनतम और विशाल किलों में से एक है, जिसे भारत के समृद्धशाली अतीत का प्रतीक माना जाता है। आठ द्वारों और अनगिनत बुर्जों से युक्त यह किला ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा है। वैसे तो इस किले के सात ही द्वार हैं, लेकिन कहते हैं कि इसका आठवां द्वार भी है जो रहस्यमयी है। किले के प्रथम द्वार पर हाथियों के हमले से बचाव के लिए नुकीले कीलें लगवाई गई हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर कई भव्य महल, अद्भुत नक्काशीदार दरवाजे और जालीदार खिड़कियां हैं, जिनमें मोती महल, फूल महल, शीश महल, सिलेह खाना और दौलत खाना बेहद खास हैं। किले के पास ही चामुंडा माता का मंदिर है, जिसे राव जोधा ने 1460 ईस्वी में बनवाया था। नवरात्रि के दिनों में यहाँ विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मेहरानगढ़ किले के बनने की कहानी कुछ इस तरह है कि राव जोधा जब जोधपुर के 15वें शासक बने, उसके एक साल बाद ही उन्हें लगने लगा कि मंडोर का किला उनके लिए सुरक्षित नहीं है। राव जोधा अपने तत्कालीन किले से 1 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर एक किला बनवाने का सोचा। उस पहाड़ी को भोर चिड़िया टूक के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वहां काफी संख्या में पक्षी रहते थे। माना जाता है कि राव जोधा ने 1459 में इस किले की नींव रखी थी। अजब गजब कहानी में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही रोचक और दिलचस्प कहानियों के लिए देखते रहिए हिंद भारत। अब 20 जुलाई से जियो टीवी पर भी आप देख सकेंगे आपका अपना चैनल हिंद भारत, आपकी अपनी आवाज़।